ये आगे बैठना तो बहुत खतरनाक हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त दिव्यांशा और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लाइफ में ऐसे ही। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग आज हैं आपनों घर रिजॉर्ट में और आज है हमारा यहाँ पे डे टू। और डे टू का प्लान जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग जाएंगे अम्यूजमेंट पार्क में। यहाँ पे तीन तरीके के पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क एंड एक्टिविटी पार्क। सो बट आप बाहर देख सकते हैं इस वक्त टाइम सुबह का हो रहा है 10 और धूप देखिए कितनी तेज हो गई है। तो मुझे नहीं पता हम इतनी गर्मी में कितना कुछ एंजॉय कर पाएंगे, बट अभी हम जा रहे हैं और आपको भी मैं साथ में लेके चल रही हूँ। तो चलिए आज का फन स्टार्ट करते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ हैं आपकी, वाटर पार्क की हैं, वाटर पार्क की एक्टिविटीज़ हैं, अम्यूजमेंट पार्क है और फिर एक्टिविटी पार्क है, सेल्फी पॉइंट्स हैं, बोनस अट्रैक्शन है और फिर आपके ये चार्जेस हैं। वीकडेज के चार्जेस आपके, अगर आपका बच्चा 33 इंचेस से नीचे हाइट है तो कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों दिन। वीकडेज में आपका चार्ज है बच्चे के लिए 1300 रुपये और वीकेंड्स में है 1500, और एडल्ट्स के लिए वीकडेज में है 1600 और वीकेंड्स में है 1800 रुपये चार्जेस। तो हम लोगों को ये ब्लू बैंड मिल गया है, ये देखिए मेरे को भी, और ये मेरे बनी को मिल गया है ग्रीन बैंड। बनी शेड्स पहन के दिखाओ, शेड्स पहनो, इधर हेलो करो शेड्स पहन के, बनो हेलो करो, इधर 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 व्लॉग में हेलो हेलो। तो ये सामने हमारा वाटर पार्क है, उधर हमारा अम्यूजमेंट पार्क जा करके, और यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ करके हम खाना खा रहे हैं। और खाने में कोई बुफे नहीं है, फिक्स्ड ऑप्शन है, आलू की सब्जी, पूड़ी हमने खाना शुरू कर दिया है सॉरी, और पोहा है, हलवा है और टी कॉफ़ी है, दैट्स इट। तो ये मेरी प्लेट है पूड़ी आलू की। लिटिल चेंज इन प्लान, हमने सोचा कि भैया सुबह का टाइम हो रहा है और धूप भी तेज़ है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा धूप और तेज़ हो जाएगी, तो यही बेस्ट टाइम है वाटर पार्क करने के लिए। तो हम लोग जा करके चेंज करके आ गए हैं पूल में जाने के लिए, और अब हम सीधा पूल में जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे लंच, और लंच के बाद हम जाएंगे अम्यूजमेंट पार्क। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनका ब्रेकफास्ट का टाइम मैंने आपको बता दिया है 9:30 से 11 है, लंच इनका है 1 से 2:30, और इनका फुल टाइम स्नैक चलता रहता है, इसमें आलू टिक्की और कड़ी पकौड़ा और बहुत सी चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगी अंदर चल के, वो सुबह से लेके शाम को 6 बजे तक चलता रहता है। और वाटर पार्क का टाइम, मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ का टाइमिंग है 9:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। और ये मैं हो गई हूँ रेडी, और चलिए अब चलते हैं अंदर। और ये है आपके चेंजिंग रूम मेल एंड फीमेल्स के लिए, और साथ ही में आपके मोबाइल, एक्सपेंसिव आइटम रखने के लिए लॉकर्स भी हैं। से 2:30 के बीच में लंच था, हम लोगों ने लंच किया, हम सब थक गए थे तो हम लोग रूम पे आए, आकर के सो गए, और अभी और अब हम रेडी हो चुके हैं। अभी बज रहा है शाम का 4 और हम लोग तैयार होकर के अब हम जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क के लिए। और ये बिल्कुल पीछे पीछे ये देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है ना, ये वाला, ये मेरा रूम है, और रूम के बिल्कुल बाहर ही मेरे पास झूला है,
बहुत ही बढ़िया तरीके से झूला बना हुआ है ये, ऐसे ही देखिए ऊपर पेड़ की ब्रांच पे रोप लगी हुई है। मतलब बनी को दरवाजे की कुंडी खोलनी आती है क्योंकि कुंडी नीचे है। वो लड़का बार बार अपनी चप्पल पहनता है और उठ करके यहाँ जाता है झूला झूलने। थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए, चलिए 1 2 3 गो। आ गया फिर से और ये मेरे को झूलने नहीं देता। स्टे अवे, यू विल गेट हर्ट। हाँ, इट इज माय टर्न नाउ। नो, इट्स माय टर्न। हो गया, वो कह रहा है अच्छा ठीक है तो मैं उधर चला जाता हूँ। बनी गॉट स्केयर्ड ऑफ होम। आजा मेरी गोदी, आजा आजा। मानता ये है नहीं है, आ गया मेरी गोदी में, आराम से पकड़ के बैठा हुआ है और हम झूला झूल रहे हैं। यू लाइक इट? आई लाइक इट। बनू, व्हाट आर यू डूइंग? स्विंग। बनी स्विंगिंग। तो अभी टाइम हो गया 4:15, 7 बजे ये सब बंद हो जाएगा। तो अभी हम सीधा अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं क्योंकि हमने लंच कर रखा है, पेट हमारे फुल है। तो झूले वगैरह झूल के फिर वहाँ पे नाश्ते के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद वो छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ हैं कठपुतली वगैरह की वो देखेंगे, वो आपको भी दिखाती हूँ, और फिर उसका नाश्ता वाश्ता करके रूम पे आएंगे। तो चलिए अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। हम सबसे पहले उसमें जा रहे हैं, बोट वाले में, इसको बोलते हैं कोलंबस। बैठे फर्स्ट चेयर पे, मम्मा थोड़ा सा स्किप करके सेकंड चेयर पे बैठ गई है। आहा, बट आर यू हैप्पी? यू आर हैप्पी और यू आर स्केयर्ड? नो, यू वी आर स्विंगिंग, वी आर हैप्पी। बनी इज हैप्पी, शो मी हाउ हैप्पी आर यू। हैप्पी 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 हैप्पी। और पता है इस झूले में असली मजा वहां पीछे बैठने में है, और उसके ऊपर जब आप ऊपर जाते हो ना, आप अपनी आईज क्लोज कर लो तो ऐसा लगता है झूला यू पलटा, वो अलग ही फन है। बट अभी तो यहाँ भी मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा। और दीपक ने उनको लाल झंडी दिखा दी है कि अब रोक दो बच्चे। सही बात है, बच्चे के लिए इससे ज्यादा तेज अच्छी बात नहीं है। भैया मेरा तो मन कर रहा है मैं एक राउंड और लूं, वो भी टॉप पे बैठ के। एक राउंड टॉप पे बैठ के बनता था। मैं ना बहुत शेर बन रही हूँ, पर ये मैं बहुत सालों बाद कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कितना डर लगने वाला है। लेट्स सी। नीचे देखोगे तो फंसोगे। और ये मजा आ गया। मेरे को फोन बंद करना पड़ा बीच में रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लगा था कि या तो मैं खुद को पकड़ लिया फोन को पकड़ लूं, तो मैंने फोन बंद कर दिया। बट मजेदार। दीपक अब उस झूले पे जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि जितने भी राउंड राउंड वाले झूले होते हैं वो मेरे लिए नहीं है, मेरे को वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। बनी बाय। मम्मा विल ड्राइव द ट्रेन। ओके ओके बनी। ओए ये तो चल पड़ी। ओए बनी को पकड़ो डैडा, इट्स जंपिंग टू मच। डैडा प्लीज होल्ड बनी। ओ माय गॉड, ये आगे बैठना तो बहुत खतरनाक हो गया। ओ इट्स अ रॉन्ग डिसीजन टू सिट राइट इन फ्रंट। लो बनी कह रहा और तेज, हद ही हो गई, माँ बाप से ज्यादा शेर तो बनी निकला। अच्छा ये वाला जो झूला है ना, ये सबसे डेंजरस है। ये क्या है, जैसे ये येलो और ब्लू और रेड ये सारे कैबिन है, ये खुद भी ऐसे 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 और कई बार पूरा राउंड भी घूम जाते हैं, और ये पूरा जाइंट व्हील खुद भी घूमता रहता है। तो बारी आ गई इस ट्रेन की, चलिए। ये देखिए, ये आपको ऊपर ये रेलिंग दिख रही है, ये साइकिल है, पूरा राउंड है। एक्चुअली ना हाइट बहुत ऊपर है, इतनी हाइट पे चलने में डर लगेगा यार। बच्चों के लिए तो यहाँ पे बहुत झूले हैं भाई, बहुत झूले हैं, अनलिमिटेड फन है बच्चों के लिए। वो देखिए उस पे बैठे हुए दीपक और बनी। बाय। और इधर से आ गई ट्रेन।
और ये देखिए कितना सुंदर ये डिंग डोंग बना रखा है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ये बनी को बिठा दिया बीच में, डाडा बैठ गए यहाँ और मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे. हम जा तो रहे हैं बट मुझे लग रहा है बहुत डर ये करने में, बट पता नहीं हम कैसे करेंगे. यू श्योर ये करना है? हाँ अरे बहुत धीरे धीरे तो है, बट ऊंचा बहुत है ना. लुक एट दी हाइट गाइज, बहुत ऊंचा है और आसपास कुछ सपोर्ट नहीं है. भाई मैं नहीं कर रही, बाजी आ रही है मेरे पे. इट इज सो स्केरी. सी कितना ऊंचा है, देखो इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पीछे ब्रेक्स पकड़ के बैठा हुआ है. पता चले बीच में एकदम से ब्रेक लगा दी तो हम सब गए. डैडा बोनस पॉइंट है, ऊपर से पूरा वाटर पार्क देखिए. देखिए दिव्यांशा रिक्शा वाली बन गई, बनी सवारी है. गाजीबाद 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 गाजीबाद, नोएडा नोएडा नोएडा, दिल्ली दिल्ली दिल्ली. चलो इस पे मैं मॉरिशियस लेके चलती हूँ. मॉरिशियस तूले का नाम है कैट वॉक, घंटा कैट वॉक. जो थोड़ी बहुत वॉक आती है वो भी कहीं. ओह यू बाय, सी यू लेटर. दीपक को थोड़ा मैंने पुश किया, थोड़ा उन्होंने डेयर किया, तो वो वाला ट्राई करने जा रहे हैं. लेट्स सी. ओ गया डाडा, क्या डाडा को बाय कर दे. ओ सी दैट डाडा इज इन दैट ग्रीन वन, दैट ग्रीन. बनी स्केर्ड फॉर डाडा. ये झूला ना, ये लग रहा है कि बहुत शांत झूला है, लेकिन जब ये चलेगा तो पता चलेगा क्या ही झूला है ये. इसका नाम है फ्लाइंग डिश. गणपति बप्पा मोरिया. क्या ही झूला है ये. अच्छा ना हो, अब यहाँ जाएं कि यहाँ जाएं? वहाँ जाएं. वहाँ बंद हो गया. दीपक फंस के आ गए हैं. चलिए वहाँ चलिए. अब यहाँ जाएं, यहाँ जाएं? ये तो बंद है. नहीं यहाँ पे रास्ता है, तो वहाँ दीपक गए, वहाँ बंद है, तो यहाँ से जाएंगे. आई थिंक ये है आउट, मैंने सही पकड़ा है. नहीं यहाँ फंस गए. चलो चलो वन वी आर स्टक. ये दीपक अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए. नहीं मतलब कह रहे थे कि छोटी सी है, छोटी तो नहीं है. इट इज फन, इतनी बेकार नहीं है यार. कहाँ जाना है भैया? दीपक ने क्या किया, अपनी हाइट का फायदा उठा के चीटिंग करी है और निकल गए बाहर. और आवाजों की डायरेक्शन दे दे के मुझे भी बाहर निकलवा दे, नहीं तो अभी और अंदर घूमते और मजा आता. आंटी हैं जिन्होंने करवाई है कठपुतली और ये भैया बजा रहे थे. थैंक यू आंटी. ये जौ की रोटी, ये कड़ी पकोड़ा और ये पकोड़े और चटनी. पॉपकॉर्न का स्टेशन है, ये गोले का है, ये शुगर कैंडी, आपका नींबू पानी, आम पन्ना, जल जीरा, ये टिक्की का काउंटर है और ये गोलगप्पे. मीठा पानी ऑसम, बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे. मैं भी सोच रही कि अपने हाथ ट्राई करूं इसके ऊपर, लेट्स सी इसमें कितना बनेगा. ये तो गीला हो गया. मुझे ले ली ना वैसे.
दमदार नहीं है, मैंने सिर्फ काट के बाहर निकाला है। तो टाइम हो चुका है 6:45, हम लोग यहाँ घाट में बैठ करके झूला झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अब के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं खत्म, और इस छोटी सी स्टेकेशन की सीरीज को भी करती हूँ मैं यहीं खत्म। आप सबसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।